गांव में कोई वेयर हाउस नहीं दिखाई देता और गांव में वेयर हाउस नहीं है, इसलिए किसान चाहे तो भी अपनी फसल रोक पाने में सफल नहीं होता है। ये 1,00,000 करोड़ रुपए का जो इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, ये गांव और खेत तक वेयर हाउस और कोल्ड स्टोरेज पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रारंभ किया है। एक तरफ 10,000 एफपीओ, दूसरी तरफ 1,00,000 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, तीसरी तरफ 15,00,000 करोड़ रुपया केसीसी के माध्यम से किसान के लिए, चौथी तरफ पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से 75,000 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष किसान के खाते में डालने का काम, और पांचवी तरफ नए कानून बनाना और कानूनों में बदलाव करना। ये सारे जो प्रयत्न हैं, इन प्रयत्नों का प्रतिफल साल दो साल में जब क्रियान्वयन के पश्चात धरती पर आएगा तो हमारा किसान भी सीना तान कर एक बड़े उद्योगपति की तरह खड़ा होगा और ये कह सकने में सक्षम होगा कि अगर उद्योग का जीडीपी में बड़ा योगदान है तो खेती और किसानी का भी देश के जीडीपी में बड़ा योगदान है। इस दिशा में भारत की कृषि को नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ले जाना चाहती है, लेकिन विघ्न संतोषी तत्व जो है वो बाधा बनकर खड़े हुए हैं। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आप सबका समर्थन, आप सबका सकारात्मक व्यवहार और आप सबकी समझ के बल पर ये कानून लागू भी होंगे, किसानों को समझाने में हम सफल भी होंगे और नया रास्ता बनेगा और भारत की कृषि आगे बढ़ेगी।